ये पकड़े। पानी भी हो गए, आधा घंटा इन्होंने लगा, पानी भी हो गए, आप ऊपर से देख ही रहे हो। मैं अच्छा, इनका भी पार्सल था, इनका भी पार्सल, इन्होंने भी पौना घंटा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। काल भी लगे हुए मैं वही देख रहा हूँ भाई, इतनी देर होगी यार, क्यों यार। असल में मैं ऊपर था, ऊपर से आने में टाइम लग गया। तो हमारी ना मुर्गियाँ भी काफी बड़ी हो चुकी हैं, तो होता ये है कि पानी बहुत ज्यादा वो गंदा करने लगे। इसलिए दराज में मैंने देखा था, वाटर बॉटल को देखा था, वो ऑर्डर किया, हो सकता है वो आई या तीन चार चीजें और भी ऑर्डर की है, ये मुझे नहीं पता क्या है, देखते हैं। ये क्या आ गया, ये तो कुछ और है। थैंक यू भाई। मैं आपको कितने पैसे दिए हैं? ये पकड़े। भैया मैंने भाई को दिए 500 रुपए, अब भैया ने मुझे 500 के रिटर्न में कितने दिए, माशाल्लाह से 1100-1200 रुपए। यार ये अच्छी दिहाड़ी है, दराज वाले तो बहुत अच्छे हैं यार, मजा आया। मुझे 1200 रुपया 500 के बदले में पार्सल के पैसे काट के, ये मेरी प्रॉफिट हो गई। मैं एक बार खुद कंफ्यूज हो गया यार, मैंने तो सिर्फ मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया भाई, सीन क्या हुआ है, ये मुझे इतने ज्यादा पैसे किस बात के भाई दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ भैया, पार्सल मेरा लेके जा रहे हैं आप। यार ये बंदा तो फुल कंफ्यूज हुआ है। ओहो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। 5000 का नोट लेके आए थे, पार्सल कितने का? 400 का। ओ यार अब क्या बंदा करे, वहाँ पे गुस्सा ही चढ़ना और फिर क्या। चलो इजी हो जाए, इजी हो जाए, ठंडे आए, मौसम अच्छा हो रहा है भाई, तो फुल गुस्सा। लेकिन देखे आपकी बचत हो गई है, दिहाड़ी मरी लग सकती थी, कितने की? 1200 रुपए की दिहाड़ी, पार्सल डाल के 1500 रुपए की दिहाड़ी बचत हो गई है भैया भाई की। हम लोगों ने इनको फोरी तो, मैं परेशान, मैंने कहा यार मैंने पैसे तो 500 दिए थे, ज्यादा इन्होंने रिटर्न क्यों कर दिए। अभी जाके चेक करते हैं, मुझे वाटर बॉटल तो लग नहीं, कुछ और आ गया मुझे लगता है गलती से। मैंने 2.5 लीटर वाली बोतल ऑर्डर की थी, अब वो अगर निकलती है ठीक है, अगर नहीं निकलती है तो कुछ और होगा, वो भी देखते हैं क्या इसके अंदर निकला क्या है। अभी मुझे ट्राइपॉड ऊपर लेने जाना पड़ेगा, इसलिए करते ये है कि इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ठीक है नहीं चीर देंगे, फाड़ देंगे। तो ये खुल गया, तो रिव्यू देने का टाइम हो गया भाई साहब। इतनी घटिया क्वालिटी की पीले रंग की बोतल और पुराना मटेरियल वेस्ट का बना हुआ, ये देखें बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी। और बोतल हम लोगों ने 2.5 लीटर की ऑर्डर की थी, ये 1 लीटर वाली बोतल आई है। अब शायद हमारे ऑर्डर में गलती हो गई है, जान के डाली है, देख रहे होंगे आपको, या वो सारा पीला पीला गंद सा पुरानी सी बोतल है, डेंट पड़े हुए हैं, फारा का माल। ये बाजार से ना ये मिलेगी 120 रुपए की, वो हैंड हो गया भाई के साथ। इतनी छोटी बोतल आई है कि इसको मैं मुर्गियों के साथ अगर लगाता हूँ तो ये मुर्गियों के लिए चलेगी नहीं, मुर्गियाँ बहुत बड़ी हैं, बोतल बहुत छोटी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये बोतल जमीन पे आई, ये हमारी मुर्गी हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसका, चलो मैंने बहुत सारे कबूतर उड़ा दिए जो कि 2 दिन से पिंजरे से बाहर हैं। ये देखें ये शराफी है, उड़ाने की वजह ये हुई कि मैं इनको आजाद कर देते हैं, यहाँ पे जंगलियों के साथ ब्रीड करके नई नस्ल बनाएंगे, लेकिन ये तो उड़ी नहीं, भाग जाते हैं, वापस आ जाते हैं। बहुत बार उड़ाए वापस आए थे, लेकिन अब इनको उड़ाया है तो इनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे है, दाना और पानी इंतजाम फुल करके रखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ भी पानी रखा हुआ ताकि पीते रहे, यहाँ पे भी चिकन अंदर होते हैं, यहाँ पे आके दाना खा लें। कुछ ही दिन की जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है, बुराया है इनको यहाँ पे, मतलब दाना पानी यहाँ पे इनको मिलेगा। लेकिन अपने टिकाने में चाहता हूँ ये कहीं दाएं बाएं ढूंढ लें, जैसे कि यहाँ पे ढूंढ लें, यहाँ पर कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं, वो सामने कितने सारे कबूतरों ने अंडे दिए हैं, यहाँ पर नीचे भी कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ढेर सारी ब्रीड आती रहेगी। उसके अलावा एक और जगह पर कबूतर वगैरह अंडे देते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कबूतर अंडे देते हैं, यहाँ पर देते हैं। एक ये इसने टिकाना ढूंढ लिया अपना, यहाँ पे बैठा रहता आके, एक और इसके साथ बैठा रखा था ग्राउंड वगैरह लगाने के लिए कहीं पे गया। वाली बतख के ऊपर ना सारे बतखें ठरकी हो गई, इसको देखो इतनी चोटें लगी हैं, मैं दिखाता हूँ क्या हुआ, हमारे टर्की साहब इसके ऊपर ठरकी हो गए, मैं परेशान कि कौन क्या रहा, मार रहा था उसको, ऊपर से बाल मूछ के उसे खा रहा, उसके बाद ये बतखा और वो बतखा, इन दोनों ने बड़ा मारा उसको। तो मैंने उसकी जान बचाने के लिए उठा के उस केज के अंदर रख दिया, मैंने कहा यार उसकी जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। अब यहाँ पर ये चलने फिरने से भी रह गई थी, गिर गई थी, खड़ी तक नहीं हो रही थी, इसका हाल देख रहे हो अभी आप, तो ये चलने फिरने से भी रह गई थी, मैं बड़ा परेशान हो गया था। और मैंने एक और काम किया, भाई ने बड़ा मजेदार काम किया, वो भी आपको दिखाता हूं किया क्या। अब ये वाला जो मेरा है रॉयल टैडी का कबूतर, इसके साथ है हाई फ्लाई की कबूतरी, इनका बच्चा, इन्होंने दिए अंडे, इनके अंडे उठा के मैंने रख दिए इनके नीचे, क्योंकि ये अंडे वगैरह नहीं देते हैं कबूतर,
ये कबूतरी इनकी फंटर है, मतलब कि अंडों से बिल्कुल बंद है, अंडे दे ही नहीं सकती, इसमें फैलाइयत ही नहीं है। जैसे ही ये अंडे देते हैं तो इनके नीचे मैं रख देता हूँ फेक अंडे, जो पहले मल ले उसके नीचे उसके ओरिजिनल अंडे रख के बाकी वाले मैं उठा लेता हूँ। उसे होता क्या है, वो फिर से अंडे दे देगा और ये बच्चे निकाल के पाल लेंगे। इनका बच्चों का शौक पूरा, उनका अंडों का शौक पूरा हो गया। याद आया मैं आप लोगों को बताना कैसे भूल गया कि मैंने दूसरी मिनी फैक्ट्री भी रेडी कर ली है। कैसे भला, ये अब जो आपको नजर आ रहे हैं लवबर्ड सारे, पहले हम लोगों ने एक सेटअप लगाया था जो कि यहाँ पे लगाया था, आपको याद होगा ये हमारा सेटअप था सारा। इसके अंदर तकरीबन हमने काफी सारे जोड़े छोड़े, कुछ बॉक्सों के अंदर है कुछ बाहर है। उसके बाद हम लोगों ने क्रिमिनो टू अल्बाइनो रेड आइज यहाँ पर देखिए लगाए हैं, क्रिमिनो टू अल्बाइनो रेड आइज के साथ पेयरिंग की है। तो यहाँ पे बॉक्स एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, अब देखते हैं हमारे पास बच्चे आते कितने हैं। यार भाई साहब, ये जो काले बच्चे निकालता था मेरा एक जोड़ा, इतना ज्यादा रश डाल देता था बच्चे निकाल निकाल के, हर कबूतरी के साथ सेट हो जाता था, बहुत ही तेज था वो। एक कबूतर मेरा गुम हो गया और दूसरा कबूतर मैंने सुबह किसी को गिफ्ट कर दिया, एक कबूतर और एक कबूतरी लगा के मैंने तोहफा दे दिया। अब वो जाते जाते अपनी निशानी छोड़ गया। एक ये बच्चा बैठा हुआ काले लके का, ठीक हो गया भाई, ये जैकोबिन की मादी है, और एक वो बैठा हुआ काले लके का बच्चा, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारे काले लके हैं। तो अगर किसी दोस्त को चाहिए हो ये वाला और वो वाला ब्लैक, तो वो मेरे से आके लेके जा सकता है अपने शौक के लिए। वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, सफाई करवाने वाली हो गई है और कबूतर भी कम करने वाले हो गए, बाकी मैंने इसीलिए उड़ा दिए, वो यहाँ पर ही रहेंगे हमारे पास, बाहर अपना टिकाना ढूंढ लेंगे। ये उड़ नहीं सकते हैं, अगर ये उड़ाए तो बिल्ली वगैरह पकड़ लेगी या कोई शिकारी पकड़ लेगा, तो ये ज़ाया हो जाएंगे। किसी दोस्त को चाहिए दोनों बच्चे तो आके मेरे से वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाए गिफ्ट समझ के, किसी से कोई चार्जेस नहीं ले जाएंगे। मैं आपको बच्चे दिखा देता हूँ, लेकिन आपको आना पड़ेगा ये बच्चे लेने के लिए, मैं कार्गो वगैरह नहीं करवा सकता, ठीक है। तो आप लोग आके ये बच्चे दोनों मेरे से लेके जा सकते हैं। रात को आके भाई ने तोते और लेने के लिए जाना है, लबर्ड्स वगैरह। अब देखना ये है कि रात को मैं लबर्ड्स लेके कौन से आता हूँ। मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल में काम, मैं बिल्कुल भी म्यूटेशन की तरफ जाना नहीं चाहता, ना मैं जाना चाहूँगा। वजह मैं बड़ी बड़ी आपको बताऊँगा खासतौर पर, क्योंकि जो 2 लाख रुपये का बर्ड था इस टाइम वो 5,000 रुपये का हुआ हुआ है, जो 50,000 का था वो भी 5,000 का हुआ हुआ है। लेकिन क्रिमिनो, रेड आइज, अल्बाइनो, ब्लैक आइज वगैरह, इनके रेट स्टिल हैं, इनकी डिमांड भी उस टाइम है, ये मिल भी नहीं रहे हैं कहीं से, तो इसीलिए आपका भाई सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल के अंदर खेलेगा। ए, आसमान में जो बच्चा नजर आ रहा है ना, ये उड़ा के गए थे तकरीबन 3 घंटे पहले, अभी फुल काले बादल आ गए हैं, ये कबूतर अपने सारे आगे बैठ गए हैं, और भाई साहब बारिश लगता कि ऐसी जबरदस्त होने वाली है कि लग पता जाएगा। लेकिन हमारा सारा कबूतर उतर रहे हैं, एक वो जो बच्चा है ना वो अकेला ही उड़ रहा है आसमान के अंदर, आप देख रहे हैं ये अकेला ही उड़ा है, ना कोई यहाँ पे परिंदा है, और कोई पूरे आसमान में आपको एक भी परिंदा नहीं नजर आएगा। देख लें अच्छी तरह से देख लें, यहाँ पे हर टाइम कबूतर वगैरह कुछ ना कुछ उड़ रहा होता है, तो यहाँ पर एक भी परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया वो, अभी ढूंढते हैं उसको, वो जा रहा है हमारा वाला, किधर है, गायब हो गया आसमान के अंदर। इस टाइम ऐसा मजेदार किस्म का मौसम हुआ हुआ है कि मतलब फुल यख हुआ हुआ है, और ये अकेला हमारा एक कबूतर उड़ रहा है ऊपर, बादल भी गरजने लग गए, और हमारा कबूतर जो है पूरा आसमान खाली पड़ा हुआ है, ये जो बर्ड्स हैं खाली यहाँ यहाँ पे हमारे ही हैं। बारिश हो ये बच्चा आपका वापस आ जाएगा और ये मौसम को एंजॉय करेगा, वही हो रहा है, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। अगर एंजॉय करते हैं तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, हम लोग मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अस्सलामुअलैकुम।